वाहे गुरु वाहे गुरु। सत श्री अकाल, आज असी फिर आप जी दे सामने भाई वीर सिंह द्वारा लिखी हुई कविता त्रेल तुक्का उसका सार लेके आए हाँ। यह कविता 12वीं जमात की किताब काव्य यात्रा विचों ले गई है। त्रेल तुक्का। मोती वांगू ढलकदा तुक्का है जो त्रेल, गोदी बैठ गुलाब दी हस हस करदा केल, वासी देश अरूप दा करदा प्यार अपार, रूपवान है हो गया प्यारी गोद विचार। इन्हां काव्य टुकड़ियां दे विच भाई वीर सिंह जो इस कविता दे कवि हन ओह लिखदे हन कि त्रेल दी जिहड़ी बूंद हुंदी है ओह मोती वांगू ढलकदे होए गुलाब दे उपर गिरदी है, मतलब उसके उपर चमकदी है, मोती वांगू चमकदी रहिंदी है। मोती वांग ढलकदा तुक्का है जो त्रेल, गोदी बैठ गुलाब दी हस हस करदा के, कि जिहड़ी त्रेल दी बूंद है वह मोती वांग चमकदी हुई गुलाब दे फुल उपर बैठ के उसदे नाल कलोलना करदी, यानी कि बहुत खुश होंदी है, हस हस करदा केल बहुत खुश होंदी है, उस नाल हस हस के कलोलना करदी है। वासी देश रूप दा करदा प्यार अपार, रूपवान है हो गया प्यारी गोद विचार। इसे तरह जब जिहड़ा त्रेल दा तुक्का है जब गुलाब दी गोद विच बैठ के खुश होंदा है, बहुत ही हस हस के उहदे नाल गल्लां करदा है, वह बहुत ही खूबसूरत लगता है और रूपवान हो जाता है। रूपवान का मतलब है, मतलब वो बहुत ही सोहना लग रहा है उहदे विच बैठ के, यानी कि गुलाब दी गोद विच बैठ के त्रेल दा तुपका बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसे तरह भाई वीर सिंह ने इन्हां कव टुकड़ियां दे राही एक मनुख दे जीवन दी खूबसूरती नूं भी दर्शाया है। इन्हां ही जिहड़ी त्रेल तुपका दी जिहड़ियां सत्रां ने भाई वीर सिंह ने मनुख दे जीवन दी खुशियां नूं भी पेश कीता है। असीं अगे वधदे हां। हुण अर्शी किरण इक आव सी लैसी ऐसी लुकाए, चौका मत कोई पौण दा देवे तरत गिराए, नित प्यार खिच लियाउंदा करे अरूप रूप, अर्शी प्रीतम है कोई नित फिर करे अरूप। इन्हां काव्य सत्रां दे विच भाई वीर सिंह दसदे हन कि एक आसमान तो धुप दी किरण आवेगी जो इस त्रेल तुपके नूं अपनी गोद विच समा लेगी, क्योंकि जदों हवा दा चौका आंदा है, जदों कह रहे ने चौका मत कोई पौण दा देवे तरत गिराए, एक हवा दा चौका आंदा है वह इस त्रेल तुपके नूं गुलाब दे फुल तो मतलब थले गिरा देंदा है जमीन दे उपर, तरत मतलब जमीन, एक हवा दा चौका उस त्रेल तुपके नूं जमीन ते भी गिरा देंदा है। जद कवि दस रहा नित प्यार खिच लियाउंदा करे अरूप रूप, इस विच कवि दस रहा है कि जिहड़ी त्रेल तुपका जिहड़ा है उहनूं एक प्यार ही खिच लियाउंदा है, वह अरूप तो रूप भी बन जाता है। अर्शी किरण इक आवसी लैसी ऐस लुकाए, चौका मत कोई पौण दा देवे तरत गिराए, नित प्यार खिच लियाउंदा करे अरूप रूप, अर्शी प्रीतम है कोई नित फिरे करे अरूप। इन्हां काव्य टुकड़ियां दे विच भाई वीर सिंह दसदे हन कि आसमान तो एक अर्शी यानी कि एक मतलब सूरज की किरण एक आवेगी जो कि उस त्रेल तुपके नूं गुलाब दे जिहड़े उपर पिया है उसके उपर पएगी तो उसनूं अपने वल खिंच लेगी, तो जदों हवा का चौका यानी कि चौका मत कोई पौण दा देवे तरत गिराए, हवा का चौका जब आएगा तो इस त्रेल तुपके नूं जमीन ते गिरा देगा, नित प्यार खिंच लियाउंदा। इस विच कवि जिहड़ा है वह दस रहा है कि त्रेल तुपका जिहड़ा है गुलाब दी गोद विच मतलब वो प्यार दे करके त्रेल तुपका प्यार दी खिंच करके गुलाब दी गोद विच बैठा है, वह ही इस अरूप तो उन्हूं रूप बना रहा है, तो रूप तो ही अरूप, तो जदों यह कह रहा है कवि अर्शी प्रीतम है कोई नित फिरे करे अरूप, वह जिहड़ा परमात्मा है वह जिहड़ा उपर बैठा प्रभु प्रीतम है वह ही इस त्रेल तुपके नूं अरूप तो रूप बनाता है, पर जब नित प्यार खिंच लियाउंदा वाली गल विच कवि यह दसदा है कि जिहड़ा त्रेल तुपका जिहड़ा है वह प्यार दी खिंच करके गुलाब दी गोद विच बैठा है, तो इसी खिंच दे कारण ही वह अरूप तो रूप बनता है, पर जब वह परमात्मा इस नूं बुलाउंदा है अपने कोल यानी कि प्रभु परमात्मा ही जिहड़ा है वह इस त्रेल तुपके नूं जमीन ते भेजदा है ते ओही इस त्रेल तुपके नूं अपने कोल भी बुला लैंदा है, जब ओही एक बन मतलब वह परमात्मा ही है जो इस त्रेल तुपके नूं मतलब जब प्यार खिंच लियाउंदा है गुलाब दे उपर वह त्रेल तुपके दा वह उसनूं रूप तो अरूप तो रूप करदा है, पर जब रब दी गल कर रहा है कवि तां वह यह कहिंदा है कि रब ही है जिहड़ा इस त्रेल तुपके नूं रूप तो अरूप बनाता है।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਪਵਾਨ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਢਲਕਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿੱਗਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਨਿੱਤ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਆਵਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੱਲ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤ੍ਰੇਲ ਤੁਪਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ? ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤ੍ਰੇਲ ਤੁਪਕਾ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤ੍ਰੇਲ ਤੁਪਕਾ ਅਰੂਪ ਤੋਂ ਰੂਪ ਅਤੇ ਰੂਪੋ ਅਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤ੍ਰੇਲ ਤੁਪਕਾ ਅਰੂਪ ਤੋਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਪੋ ਅਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤਦ ਉਹ ਰੂਪੋ ਅਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤ੍ਰੇਲ ਤੁਪਕਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ 13-13 ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿ